दोस्तों आज मैं बात करूंगी रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन और कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर मुकेश अंबानी की, जो आज के समय में भारत के सबसे बड़े आदमी हैं। दोस्तों कहा जाता है कि मुकेश अंबानी की हर मिनट की कमाई लगभग 2,35,000 रुपए है। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार अगस्त 2016 में लगभग 2.2 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ मुकेश दुनिया के 36वें सबसे अमीर आदमी हैं। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की और उन्हीं के साथ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने अपनी लॉन्चिंग के साथ टेलीकॉम जगत में तहलका मचा दिया। जियो ने पहले ही दिन से देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार हो गई। वो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं। दुनिया के सबसे महंगे मकानों की लिस्ट में मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया सबसे ऊपर है, जिसकी कीमत करीब 2 अरब डॉलर है। इस घर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ मुकेश अंबानी के जीवन के बारे में। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन के एडन शहर में हुआ था। उनका पिता का नाम धीरू भाई अंबानी और उनकी माता का नाम कोकिला बहन अंबानी था। मुकेश अंबानी के अलावा उनका एक छोटा भाई अनिल अंबानी और दो बड़ी बहनें दीप्ति और मीना भी हैं। मुकेश अंबानी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के हिल ग्रेन हाई स्कूल में हुई। उसी स्कूल में उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री ली और फिर आगे की पढ़ाई के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद ही अपने पिता धीरू भाई अंबानी की मदद करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 1980 में लाइसेंस मिलने के बाद पॉलिएस्टर के कारखानों को संभालने में लग गए। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड की स्थापना की, जिसे अब रिलायंस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। मुकेश अंबानी की जियो इन्फोकॉम ने अपनी लॉन्चिंग के साथ ही टेलीकॉम जगत में तहलका मचा दिया था। दिसंबर 2016 में इसने 4G डाटा से अपनी सर्विस चालू की और केवल 170 दिनों में इसके 10 करोड़ ग्राहक हो गए। मुकेश अंबानी ने जामनगर गुजरात में विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम की स्थापना कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। अगर मुकेश अंबानी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 8 मार्च 1985 को मुकेश अंबानी का विवाह नीता अंबानी से हुआ। उनके 3 बच्चे भी हैं, आकाश, ईशा और आनंद। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में। फोर्ब्स के अनुसार मुंबई स्थित एंटीलिया घर दुनिया का सबसे महंगा घर है। इसे बनाने में करीब 2 अरब डॉलर की लागत लगी है। अंबानी का यह घर 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। वैसे तो यह 27 फ्लोर का है, लेकिन इसके कुछ फ्लोर की ऊंचाई सामान्य से 2 गुना है, तो ऐसे में बिल्डिंग करीब 40 फ्लोर वाली बिल्डिंग के बराबर ऊंची है। ये मुंबई में अल्ट्रा माउंट रोड पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंगों में से एक है। मकान में 6 मंजिला पार्किंग और हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए 3 हेलीपैड भी हैं और इसकी देखभाल के लिए 600 नौकर काम करते हैं। दोस्तों देश की सबसे बड़ी कंपनियों में बेशुमार मुकेश अंबानी की कंपनी भी जीरो से शुरू होकर शिखर तक पहुंची। इसके पीछे उनके पिता की सोच थी और अपने पिता से मिले हुनर को मुकेश बखूबी निभा रहे हैं। उनके पिता एक टीचर की तरह थे और मुकेश अंबानी एक लड़के की तरह नहीं, हमेशा स्टूडेंट के रूप में बिजनेस के कोर्स सीखते थे। ये थी एसएम न्यूज़ की रिपोर्ट।